रायबरेली में जहां एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के हित में बात कर रही है ताकि किसानों को हर योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जनपद में बैठे आला अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद खुल नहीं रही है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के जिला सहकारी समिति कोहिहर ग्राम मलिक मऊ ब्लॉक 57 का निकलकर सामने आया है, जहां पर पूर्व में रह चुके 2021-22 और 23 में पीसीएफ प्रबंधक और मौजूदा पीसीएफ प्रबंधक के द्वारा लगभग पल्लेदार किसान और मजदूर का लगभग 5 लाख मजदूरी का गबन कर लिया गया। वे पूरे मामले पर जब मीडिया ने केंद्र प्रभारी हरिमोहन सिंह से बात किया तो उन्होंने बताया कि धान और गेहूं की तौल कराई गई, साथ ही साथ जो मजदूरों की मजदूरी थी उसे भी मजदूरों को नहीं दिया गया। इसकी सूचना कई बार हम लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर जिला विपणन खाद अधिकारी को दिया, लेकिन पूरे मामले पर कहीं ना कहीं इतिश्री कर ली गई। फिलहाल गरीबों की जेब पर अधिकारियों ने लगभग 5 लाख रुपए का डाका डाला है। आप देखना यह है कि कड़ाके की ठंड में जिस तरह से किसान कर्मचारी पल्लेदार मजदूर अपने घर द्वार को छोड़कर कड़ी मेहनत करके करते हैं ताकि उनका घर कुछ रुपयों के खातिर चल सके, उनके बच्चे जो आस में बैठे रहते हैं कि आज हमारे पिताजी आएंगे हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जब भ्रष्ट अधिकारी ही गरीबों की जेब में डाका डालेंगे तो ऐसे में ये बेचारे मजदूर कहाँ जाएंगे। खैर, जिला सहकारी समिति ब्लॉक 57 कोरीहर ग्राम मलिक मऊ चौबारा सचिव केंद्र प्रभारी हरिमोहन सिंह ने आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए का गबन किया गया। अब देखना है कि मजदूरों की मजदूरी का पैसा वापस होता है या इसे भी ठंडा बस्ते में डाल दिया जाएगा। लगातार खबरें प्रकाशित होती रहेंगी जब तक मजदूरों की मजदूरी का पैसा वापस नहीं होगा। मेरा नाम श्री हरिमोहन सिंह है, सचिव कोरिया ब्लॉक है। क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं? सचिव भी मैं हूँ, केंद्र जो है प्रभारी भी मैं हूँ। क्या समस्या आ रही है आपको, कुछ समस्या आ रही है मजदूरों को लेके? हाँ, समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है जो हम पल्लेदारी देते हैं उसका भुगतान जो है उनका पीसीएफ से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो मैं मेरा जो है प्याऊ जो है कर्मचारी था उसका भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। 2 वर्ष का धान की खरीद मैंने किया, 2 वर्ष गेहूँ का किया, उसकी पल्लेदारी अभी तक विभाग द्वारा नहीं प्राप्त। कितना मिलता था जो प्याऊ कर्मचारी, उनका एक दिन का कितना रहता था? प्याऊ कर्मचारी का वो नवंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, 28 फरवरी तक मेरा अभियान धान का चलता है। उधर गेहूं का अभियान माह अप्रैल से 15 जून तक चलता है। कभी कभी तिथि जो है बढ़ा भी दी जाती है। ये है समस्या। कमीशन तो धान का 2 साल का प्राप्त हुआ है मुझे, वो भी धान के कमीशन में 5% FCI द्वारा काटी गई है। क्या है इसको, इसका संज्ञान विधिवत हमको नहीं मालूम है। क्यों काटा गया 5%? कोई कारण बताए, रीजन? 5% कोई कारण नहीं बताएगा, बताएगा FCI से अभी काटा है। अब FCI के पास है वो धन कि वो PCF के पास है, लेकिन जो हुआ है किस सन का है? ये सन का हमको मिला है पिछले 2 वर्षों का। इस मतलब धान का जो मेरी खरीद थी उसका कमीशन मुझे प्राप्त। तो आपने इसकी कहीं शिकायत की? इसकी शिकायत मैंने जिला सहायक निबंधक को भी दी थी। उन्हीं के द्वारा जब पत्र PCF को प्राप्त हुआ है तो मेरा कमीशन का भुगतान हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पल्लेदारी है, जो मेरा प्याऊ है, उसका हमको भुगतान कर दिया जाए। जो मैं अन्य लोगों से इधर उधर मांग के मैंने संस्था का कार्य किया है उसका भी मैं जो है भुगतान दे दे, यही है। क्या मानते हैं अगर जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से पैसा ढका जाएंगे मजदूरों गरीबों का? नहीं, मैं ढकाने की कोई बात नहीं करता। हमको ये है कि कहाँ से अटका है, कहाँ इसकी क्या है विधि है, ये हमको ये जो पैसा फंसा हुआ है इतना अमाउंट, लगभग कितना अमाउंट है? लगभग 490 के आसपास होगा हमारा। तो किसके थ्रू पैसा ये पास होगा? ये पैसा PCF द्वारा मुझे जो है प्राप्त होता है। कौन है PCF के मेन? PCF के जिला प्रबंधक द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। धान गेहूँ, क्या नाम है उनका? खरीद की पहले के थे PCF अधिकारी, इधर मैं तो सर अतुल जो है, क्योंकि अपनी बात है हमारा
पीसीओ से हुआ है, वहाँ से मैंने जो सेंटर भी हटाया, उसके बाद मैंने जिला जो है श्रीमान जिला साहब निबंधक से मैंने अपनी समिति का प्रस्ताव भेजा था कि हमारा पीसीओ अपने सेंटर हटा करके पीसीओ में कर दिया जाए, तो मेरा सेंटर पीसीओ में महोदय द्वारा कर दिया गया है। कुल मिला के जो गरीबों का जो मजदूर है उनका जो पैसा फंसा हुआ है, पैसा फंसा है सर, मैंने वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि उनको मैंने मांग जान के उसको मैंने भुगतान किया है। वो बेचारे मजदूर तो रोज के हैं, उनको कभी कोई ऐसा नहीं कि उनको जो है। तो क्या मजदूर अभी भी आपके साथ हैं, वो काम कर रहे हैं? नहीं, मजदूर वो इस बार हमको छोड़े हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जो है पंजाब है। इस वर्ष मैं जो मजदूर लाया हूँ वो मैं इधर से हरचंदपुर साइड के। ये जो मजदूर आपके पास आते हैं इनका डॉक्यूमेंट्स भी जमा होता होगा आपके पास? इनके पूरा इस वक्त हस्ताक्षर होते हैं, पूरा इनका रजिस्टर बनाया जाता है। प्राइवेट रहते हैं सब? सब प्राइवेट रहते हैं, सब प्राइवेट रहते हैं। इनको हम अपनी जो है तरफ से एक कार्ड जो है जारी करते हैं कि मान लो आप धान का गेहूं का ऐसा कार्य है कि किसी प्रकार का बरसात मौसम हुआ कुछ हुआ तो लेबर को देर रात तक रहना भी पड़ता है। कुल मिला के अब चाहते हैं कि जो गरीबों का हक मारा गया वो उसका भुगतान हो जाए, जो है कर दिया जाए। हम लोग तो काम दिन रात करने वाले आदमी हैं, दिन रात जो है सेवा जो है कर रहे हैं।